धमकी देने के मामले में आरोपित व्यापारी पिता पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों ही आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामला सराफा थाना क्षेत्र का है, जहां सलील वाजपेयी ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख व्यापारी वैभव नेमा और कमलेश नेमा के पास रख कर पैसे लिए थे, जिसका ब्याज को लेकर विवाद के बाद व्यापारी ने सलील को धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित पिता पुत्र की तलाश शुरू कर दी है। ये फरियादी सलील वाजपेयी ने रिपोर्ट की थी कि उन्होंने करीब 2014-15 में कुछ जेवर गिरवी रख के और पैसा उधार लिया था, और उस पैसे के उधारी को लेकर जो अनाविदक पक्ष है वो उनको डरा धमका कर धमकियाँ दे रहा है। उस आधार पर धारा 384 मध्य प्रदेश श्रेणियों का संरक्षण अधिनियम और धारा 506 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। इसमें दो आरोपी हैं, जिसमें एक प्रेमवल्लभ नीमा और उनके पुत्र अमरीश नीमा का प्रकरण पंजीकृत किया गया। ये दोनों व्यापारी हैं और इनका व्यापारिक लेन देन उस समय चलता था, और व्यापारिक लेन देन के दौरान ही ये उधारी उनके द्वारा ली गई थी। गोल्ड रखने की कोई बात सामने? हाँ, वो गोल्ड रखकर ही उधारी ली गई थी। जो सराफा में गोल्ड गिरवी रखकर जो उधारी ली जाती है उसी से संबंधित।